इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन आर फैशन्ड ऑल प्लान्स क्रिएटेड बाय पीपल। द इंपल्स द डिजायर इज गिवन शेप फॉर्म एंड एक्शन थ्रू द एड ऑफ द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड। मतलब यहां पर क्या बात करी जा रही है कि इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है। हम क्या समझते हैं इमेजिनेशन मतलब क्या सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी क्रिएटिव फील्ड में है? अरे नहीं, सबको है। अगर आपको कुछ भी ढंग का अचीव करना है तो पहले आपको इमेजिन करना होगा, क्योंकि वो अभी आपकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेटर हो लेकिन आपका फिटनेस लेवल एक लेवल पर है आज की डेट में, बट कोई क्रिकेटर है जिसका कि फिटनेस लेवल एक अलग ही लेवल पे है। मान लो आपका है 100 में से 10, बट कोई और है जिसका है 100 में से 100, तो वो आपके लिए एक एंड गोल हो गया। तो अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा फिटनेस की उस स्टेट में, जिस स्टेट में पहुंचने में आपको हो सकता है कई साल लगेंगे, और उस इमेजिनेशन को माइंड में रिपीट करना होगा थ्रू ऑटो सजेशन, ताकि वो इमेज, द इमेज ऑफ द काइंड ऑफ फिटनेस लेवल यू वॉन्ट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इंटरनली मतलब क्या, बाहर से तो आपकी मसल्स दिख सकती हैं, अंदर से मतलब क्या, आपकी कोर कितनी स्ट्रांग है। किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में सारा खेल कोर का होता है। कोर मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो, फाउंडेशन ऑफ फिटनेस इज कोर। तो वो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये आपका गोल होना चाहिए और आपके अंदर ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ठीक है, आज मैं इस लेवल पर हूं, लेकिन मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूं और बिलीव कर पा रहा हूं कि मैं आने वाले 2 साल बाद इस लेवल पर होऊंगा। यू मस्ट हैव दैट इमेजिनेशन पावर्स। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो, क्रिकेट में इमेजिनेशन पावर की क्या जरूरत है? अगर आप एक बैट्समैन हो तो सामने से बॉल आ रही है और आपको हिट करना है बैट से, खत्म। नहीं जी, उस बॉल को हिट करने के लिए आपका जो फिटनेस लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए। तो अपनी जो इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड है उसको डेवलप करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है, वो बहुत जरूरी है अगर लाइफ में हमको कुछ भी बड़ा अचीव करना है। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे, दैट कुड बी एनीथिंग, जो भी आदमी ने बनाया, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, वो सब क्या है? आज एक रियलिटी है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी के माइंड में वो एक इमेजिनेशन थी, तभी वो रियलिटी बन पाई। अगर किसी के माइंड में वो इमेजिनेशन ही नहीं होती तो पेपर पे उसकी इमेज कैसे बनती? इमेज नहीं बनती तो एक प्लान कैसे बनता उसको प्रैक्टिकली बनाने का? तो एवरीथिंग इज एन इमेजिनेशन विच इज देयर इन द माइंड। और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, इससे बड़ी और कोई क्वालिटी नहीं है। क्योंकि द प्रॉब्लम इज के आपके आसपास में कोई नहीं समझ पा रहा होगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हो। किसी को समझ नहीं आने वाला, जिसको आप बताओगे वही आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपकी इमेजिनेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो देख सको। मतलब दैट इमेजिनेशन मस्ट बिकम लाइक अ विजन फॉर यू, जो औरों के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन होगा, मतलब एक ख्याल होगा। किसी और को आप बताओगे तो वो कहेगा क्या ख्याली पुलाव पका रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बट आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, वो इमेजिनेशन एक विजन की तरह हो जाना चाहिए कि आपको साफ नजर आ रहा हो, कि आप आंखें बंद करो और आपको साफ नजर आ रहा हो कि आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होगा, ऑल्दो डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बिना बीज के कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बीज से भी कुछ नहीं होगा, ये बात समझने वाली है कि उसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। खाद डालनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, लैंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सॉइल उसके लिए ठीक भी है या नहीं है उस तरह के बीज के लिए। तो ऐसे बहुत कुछ करना।